क्लॉक पोर्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, बम्प्स, लार्ज पोर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस करते हो तो अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स क्यों आजमाते हो? कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की तरह उसको फॉलो करोगे तो इससे आपको रिजल्ट 100% मिलेगा और जल्दी भी मिलेगा। वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, मैं हूँ राबिया और आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसको आप अपने घर पे करके अपने पोर्स को अनक्लॉक कर सकते हो, उसको क्लीन कर सकते हो, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हो, बम्प्स को दूर कर सकते हो, स्किन को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो, क्लीन और क्लियर कर सकते हो, ब्राइट और ग्लोइंग बना सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट लार्ज पोर्स को रिड्यूस कर सकते हो। तो फायदे जान लिए, अब देखते हैं कि वो ट्रीटमेंट करते कैसे हैं। पोर्स को अनक्लॉक करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए स्टीमिंग, ऑफ कोर्स फेस वॉश करने के बाद। लेकिन स्टीमिंग आपको नॉर्मल वाली नहीं लेनी है, आपको लेना है ढेर सारे नीम के पत्ते। अगर आपको नीम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप नीम का पाउडर यूज कर सकते हो। नीम के पत्ते ले रहे हो तो एटलीस्ट आप इतनी क्वांटिटी ले, अगर आप पाउडर ले रहे हो तो कम से कम 2 टेबल स्पून आप इसमें पानी में अपने ऐड कर दीजिए। जब ये अच्छे से बॉईल होने लग जाएगा इसको 1-2 मिनट के लिए और बॉईल करें और फिर इसको गैस से निकाल के इसकी स्टीम ले। स्टीम के फायदे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इससे आपके पोर्स ओपन होंगे, आपके पोर्स क्लीन होंगे। लेकिन जब आप ये नीम वाले पानी का स्टीम लोगे और जब ये भाप आपके पोर्स को ओपन करेगी तो ये आपके पोर्स को डिटॉक्सिफाई करेगी, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी, सारी इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालेगी। आपके पोर्स जो क्लॉग्ड हो गए हैं, वो सीबम, वो डर्ट, वो डेड सेल्स, वो सारे बाहर निकलेंगे आपके पोर्स से और आपके पोर्स जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। और नीम की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से आपको एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम भी रिड्यूस होगी। तो ऐसे ही आपको 8 से 10 मिनट के लिए स्टीमिंग लेनी है, ये हमारे ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है। इसके बाद ना आपको अप्लाई करना है एक डिटॉक्सिफाइंग फेस मास्क जो आपके ट्रीटमेंट को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा, क्योंकि स्टीम लेने से हमारे पोर्स ओपन तो हुए हैं, हमारी इम्प्यूरिटीज तो बाहर आई है लेकिन वो आपकी स्किन में अभी भी है, आपके पोर्स में अभी भी है, तो उसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए चारकोल पाउडर से बेहतर और कोई चीज है ही नहीं, तो क्योंकि ये आपके पोर्स से इम्प्यूरिटीज को चुंबक की तरह खींचता है। इसको करने के मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ, आपके घर में जो भी चीजें होगी उसके हिसाब से आपको एक तरीका यूज कर सकते हो। सबसे पहला तरीका आपको DIY चारकोल मास्क यूज करना जो आपके घर में प्रेजेंट है वो सारी चीजों से ही। इसके लिए आपको लेना है एक बोल में 2 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, इसमें ऐड करना है 1.5 टीस्पून चारकोल पाउडर, फिर इसमें ऐड करें 2 से 2.5 टीस्पून शुगर की, हल्का सा इसको क्रश कर लीजिए, ज्यादा बड़े इसके दाने नहीं होने चाहिए, इसको इसमें डाल दीजिए 2 से 2.5 टीस्पून, इसमें डाले थोड़ा सा शहद और इसको कंसिस्टेंसी अच्छी बनाने के लिए इसमें डाले थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स करें और ये हो गया आपका चारकोल मास्क रेडी जो आपके स्किन को डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता रही हूँ। दूसरा ऑप्शन जो पील ऑफ मास्क आते हैं वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये गुड वाइब्स का चारकोल पील ऑफ मास्क है जो आप अपने फेस पे यूज कर सकते हो। सस्ता, इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने स्किन को, अपने पोर्स को अनक्लॉक करने के लिए, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए। तो ये सबसे आसान तरीका होता है चारकोल का पील ऑफ मास्क यूज करना। या तो चारकोल के ऐसे मास्क यूज करो या चारकोल के पील ऑफ मास्क यूज करो, जो भी आप यूज करो इसमें चारकोल है और चारकोल आपके स्किन से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, इम्प्यूरिटीज, जो डर्ट है, जो गंध है, जो एक्स्ट्रा सीबम है, जो डेड सेल्स है, वो सबको रिमूव करता है। इससे बेहतर आपकी स्किन को कोई क्लीन नहीं कर सकता। तो इसको आपको अप्लाई करके रखना है और पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करना है। आप पील ऑफ मास्क यूज कर रहे हो तो आपको तब तक वेट करना है जब तक ये सूख नहीं जाता। और ये वाला मास्क जो घर का हमने बनाया वो वाला मास्क आप यूज कर रहे हो तो आपको 15-20 मिनट्स के लिए वेट करना है और उसके बाद में आपको अगर आप पील ऑफ मास्क लगाए हो आपने तो उसको रिमूव करना है। जैसे जैसे आप मास्क निकालते जाओगे आप देखोगे कि कैसे उसके आपके स्किन से डेड सेल्स, कैसे आपके पोर से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिमूव हो रहे हैं, कैसे आपकी जो कील होती है ना कील वो भी निकलती है इससे। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है पील ऑफ मास्क ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के। अगर आप ये वाला मास्क यूज कर रहे हो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो 20 मिनट्स के बाद में आप अपने हाथों को हल्का सा गीला करें और अपने फेस को अच्छे से रब करें, क्योंकि इसमें शुगर ही आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, डेड सेल्स को रिमूव करेगा और चारकोल आपकी स्किन से जो इम्प्यूरिटीज है उसको, टॉक्सिन्स को रिमूव कर देगा, मुल्तानी मिट्टी जो है वो एक्स्ट्रा सीबम जो है उसको रिमूव करेगी और हनी जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। तो ऑल इन ऑल ये मास्क भी आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए। तो जो भी आप यूज करो इससे आपके पोर्स अनक्लॉक हो गए, क्लियर हो गए, टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन, क्लियर और स्मूथ दिखेगी। लेकिन अब लार्ज पोर्स की बारी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो नीम का पानी हमने स्टीम के लिए लिया था इसको आपको फेंकना नहीं है, नीम की सारी गुडनेस ये पानी में आ चुकी है तो इसको अभी आपको क्या करना है, एक बोल में निकालना है
और फिर आपको इसमें डालना है एप्पल साइडर विनेगर। विनेगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल विनेगर यूज कर ले। मैं यहाँ पे 2.5 चम्मच इसके ऐड कर रही हूँ। जो भी आप जितना भी आप नीम का पानी लोगे उसका 1/4 आपको इसमें ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, आइस ट्रे में इसको डालना है और फिर इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रखना है। जब ये सेट हो जाएगा तब इसके एक आइस क्यूब लेके, ये ट्रीटमेंट के बाद आपको करना है, जब ये सेट हो जाएगा तो इसके आइस क्यूब लेके आपको आपके पूरे फेस पे अच्छे से रब करना है। और उसको रब करते करते मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरी स्किन क्यों इतनी ब्राइट दिख रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये ट्रीटमेंट का मेरे फेस पे इतना कोई खास रिजल्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि ये आपके पोर्स को अनक्लॉक करने के लिए होता है और मेरी स्किन तो बिल्कुल मतलब क्लीन है, क्लियर है। लेकिन ये ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पोर्स में कितने टॉक्सिन्स थे। मतलब कुछ चीजें होती है जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, हमको लगता है कि हमारे पोर्स जो है वो क्लीन है, अगर आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं है तो क्लीन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके पोर्स में गंध होती है जो फेस वॉश करने से सिंपल नहीं निकलती है, जो भी हम चीजें करते रहते वो और बिल्डअप होते रहता है हमारे फेस पे, वो निकलता नहीं है। इसलिए जब ये ट्रीटमेंट मैंने किया तो मेरी स्किन खुद इतनी क्लियर हो गई थी, मेरे टॉक्सिन्स इतने रिमूव हो गए थे जो मुझे नहीं पता था कि मेरे फेस में। इसीलिए अगर आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम ना भी हो ना तो भी इसको आप जरूर ट्राई करना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन में कितने टॉक्सिन्स हैं और उसके निकलने के बाद आपकी स्किन कितनी स्मूथ और ब्राइट दिख सकती है। हाँ, ये वाला जो हम कर रहे हैं ये आपके पोर्स को क्लीन भी रखने के लिए कर रहे हैं और आपके पोर्स के साइज को रिड्यूस करने के लिए, श्रिंक करने के लिए कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से आपको आपके फेस पे रब करना है, बहुत अच्छा लगता है इसको रब करने के लिए। और फिर उसके बाद में आपको आपके फेस को हल्के से पोंछ लेना है और फिर तुरंत ही आपको लेके अपने फेस पे अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। दैट्स इट, ये हो गया आपका ट्रीटमेंट खत्म। इसको आप 10 दिन में 2 बार करें और हाँ, लास्ट वाला ट्रीटमेंट है उसको आप 2 डेली करते जाए, क्योंकि पोर्स का साइज रिड्यूस होने के लिए, श्रिंक होने के लिए धीरे धीरे होता है वो, उसको टाइम लगता है। लेकिन बाकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपके लिए सिर्फ 2 ही बार इनफ है, आपकी स्किन की ये सारी प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाएगी, आपकी स्किन क्लीन होगी, क्लियर होगी, आपके पोर्स अनक्लॉक हो जाएगी, टॉक्सिन्स आपके रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन यूथफुल दिखेगी, ब्राइट दिखेगी, ग्लोइंग दिखेगी, आपका कॉम्प्लेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा, वाइब्रेंट दिखेगा। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए वाकई में हेल्पफुल और यूजफुल रहा होगा। अगर हाँ तो गाइज इसको लाइक करना ना भूलें और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल राबिया का किचन को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगी ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट के साथ में मेरे अगले वीडियो में, क्योंकि यही मेरा काम है। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।